मेरे खिलाफ जबरदस्त मीटिंग है करा दी, और एक ही है वो लंगूर जो मीटिंग करा तो बोले चम बुरा मत मान जो मार साहब क्योंकि आपको देव तो लंगूर से मेरे खिलाफ जबरदस्त मीटिंग है करा दी और एक ही है वो लंगूर जो मीटिंग करा तो बोले चम बुरा मत मान जो मार साहब क्योंकि आपको देव तो लंगूर से इस आंसर उन्होंने आपके ऊपर एक बयान दिया था जिससे काफी बवाल खड़ा हो गया था, क्या कहेंगे सर? देखो, राजनीति में मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। वो सांसद दौसा अमर्यादित बोली थी, जिसकी बोलने की आवश्यकता भी नहीं थी, कोई समय का भी नहीं था, पर मैंने सत्य निष्ठा से पार्टी का काम किया। आपको जानकारी है कि मैंने पोलिंग के दिन तक काम किया और वोट बारात निकाली जो आज तक जैसे बड़े चैनलों पर चली, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरा आया, मेरा काम किया। ये मैं नहीं कहता केवल मेरे पास जीतिए, अगर मोदी जी की आदि होती थी तो जीत गई। उसके बाद उनका कहना ये है कि मेरी उनकी खिलाफत करें, तो प्रमाण दें, शिकायत दें ताकि जांच हो जाए, मैं दोषी हूँ। और कोई शिकायत है तो मेरे को बताएं ताकि मैं उसको दुरुस्त कर लूँ, सुधार कर लूँ। ऐसे सार्वजनिक रूप से बयान देने से पार्टी में भी निवेदन होता है, कार्यकर्ता भी आहत होते हैं। ऐसे सर अभी चुनावी माहौल है, क्या लगता है आपके वहाँ कोई राजस्थान में फर्क पड़ेगा? राजस्थान गहलोत के और पायलट की लड़ाई का कोई फायदा मिलेगा बीजेपी को? बीजेपी को उनके लड़ने के फायदे की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी तो प्रचंड बहुमत से नगर निगम में बैठे पंचायत चुनाव में बीजेपी आई। सर अलवर में घटना हुई है, एक सेल्समैन को डीप फ्रीजर में जला के गला दिया था, कैसे मानते हैं आप? देखो, कानून का राज तो चौपट हो गया राजस्थान, आपको पता है सपोर्टरों में पुजारी के तेल छिड़क के आग लगा था, गैंग रेप हो रहा है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, नायडू की स्थिति बड़ी खराब है और मुख्यमंत्री भी खुद गए नहीं थी, उनको प्रभावी ढंग से उसको रोकना चाहिए, अन्यथा कुछ महीने बाद पूरी तरह से स्थिति चरमरा जाएगी और जनता सड़कों पर चल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए।